अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम सामईन, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कल बरोज सनीचर 7 दिसंबर को पोलिंग है, आप अपने पोलिंग बूथ पर जाए पहली फुर्सत में और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी लीडरशिप डेवलप करने का, आज कहीं ना कहीं वो मौका मिला है आपको, और 5 साल में ये मौका एक बार आपको मिलता है। झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, MIM ने जमशेदपुर पश्चिम से मुझे उम्मीदवार बनाया है, और हमारी पूरी टीम, जिस तरह से मजलिस की पूरी टीम जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में पिछले 15 दिनों से मेहनत कर रही है नॉमिनेशन के दिन से लेकर आज तक, और अभी तमाम बूथ कमेटियों की जिम्मेदारियां बांटी जा रही है, हम लोग सारे लोग एकजुट हैं, सारे साथी MIM के जितने भी कैडर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। बहुत तरह की र्यूमर्स, बहुत तरह की अफवाहें अगर आप तक पहुंचती है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप बराह रास्त मुझसे कांटेक्ट करें, और कल भी आपको संयम बरतना है। बहुत तरह की अफवाहें और असामाजिक तत्व के लोग चाहेंगे कि माहौल बिगाड़ा जाए, हमें बहुत ही अच्छे माहौल में इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है, और हर पार्टी को, हर किसी को अधिकार है वोट की अपील करने की, सारे लोग करेंगे, हमें भी अपना काम करना है। और मैं अपने तमाम बूथ के साथियों से गुजारिश करूंगा कि संयम रखें और ईमानदारी से अपना काम करें, न सिर्फ EVM मशीन की चेकिंग से लेकर EVM मशीन सील और स्ट्रॉन्ग रूम जाने तक आप EVM मशीन के साथ रहेंगे, और पुलिस प्रशासन का, चुनाव पदाधिकारियों का पूरी तरह से सपोर्ट आप करेंगे, तमाम लॉ एंड ऑर्डर इसका प्रशासन का आप ख्याल करेंगे। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है मजलिस के कैडर्स को कि कोई ख़राब मैसेज जाए, और मेरे बारे में किसी तरह की भी कोई गलत फहमी, किसी तरह की कोई अफवाह अगर आप लोग तक पहुंचती है कि रियाज शरीफ मैदान में नहीं है, रियाज शरीफ के बारे में कुछ भी, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। ऐसी कोई अफवाह, कोई गलत फहमी पर आप ध्यान ना दें, हम लोग 24/7 मैदान में हैं, और हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको 7 दिसंबर को कोऑपरेटिव कॉलेज से जब ये अनाउंस होगा कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की सीट हम जीत गए, आपको ये खबर मिलेगी 23 दिसंबर को इंशाल्लाह।